दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट अतुल कुमार और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा लें, और अगर आप Facebook पर वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों पेमेंट से रिलेटेड, यानी कि अगर आप मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो तो बता दूं दोस्तों कि आपको एक फीचर ऐसा मिलता है मोबाइल बैंकिंग के अंदर कि आप मान लो पेमेंट को आज मान लो किसी को आपको पेमेंट करना हो 2,000-5,000 जो भी सपोज, तो इंस्टेंट आप अगर करना चाहते हैं तो आपके पास फीचर्स होते हैं, UPI कर सकते हो, IMPS कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो किसी को कि अगर आपका ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है तो अगर आप कई बार ऐसा होता है कि किसी को हमें पेमेंट करनी है टाइम से और हम भूल जाते हैं, तो इस इनकेस में हमको जो है ये फीचर आपको जो है बहुत ही काम आ जाएगा। तो इस फीचर में क्या है दोस्तों, इसमें शेड्यूल पेमेंट का, यानी कि आप पेमेंट को शेड्यूल कर सकते हो टाइम डेट के हिसाब से। आप पहले ही पेमेंट को शेड्यूल कर दोगे, आप 2-4-10 दिन पहले कर सकते हो, और मान लो 10 दिन बाद या 2 दिन बाद आपको किसी को पेमेंट करना है तो वो आप आज पेमेंट को शेड्यूल कर दोगे उसी डेट और टाइम पर, और वो ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करना होगा। मैं आपको RBL बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर करके दिखाने वाला हूँ, बाकी सभी बैंकों का सेम प्रोसीजर होता है। तो पेमेंट शेड्यूल करने का प्रोसेस आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। RBL मोबाइल बैंकिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें सबसे पहले अगर आप RBL के कस्टमर हैं तो, क्योंकि मेरे पास RBL का बैंक अकाउंट है तो मैं RBL में ही करके बताता हूँ सारी चीजें। तो RBL बैंक अकाउंट का मोबाइल एप्लीकेशन सबसे पहले अपडेटेड आपको डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद आपको कुछ जो है उसमें फंड मेंटेन करना होगा, यानी कि आपके अकाउंट में कुछ पैसा होना चाहिए ताकि आप शेड्यूल कर सकें पेमेंट को। अगर आपके में जीरो बैलेंस है तो फिर वो शेड्यूल का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब ट्रांसफर करने के लिए फंड ही नहीं होगा तो आप पेमेंट शेड्यूल या फिर इंस्टेंट कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो सबसे पहले आप उसमें फंड जो है मैनेज करें, मेंटेन करें, और उसके बाद हम सीखेंगे मोबाइल के स्क्रीन में कि कैसे हम जो है पेमेंट को शेड्यूल करते हैं और कैसे हम जो डेट टाइम फिक्स कर देते हैं किसी भी बेनिफिशियरी को जिसको भी हमें जो है पेमेंट भेजना है। और दोस्तों बेनिफिशियरी को सबसे पहले आपको ऐड करना होता है, तो बेनिफिशियरी ऐड और रिमूव करने का जो है मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बैंकिंग वाले प्लेलिस्ट में, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं दे दूंगा ये मोबाइल बैंकिंग वाला। तो उसमें आप जो है सारी वीडियोस बैंकिंग से रिलेटेड आप देख सकते हो और बहुत ही इजीली आप समझ सकते हो। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन में और मोबाइल बैंकिंग का एप्लीकेशन ओपन करते हैं और सीखते हैं कि पेमेंट को शेड्यूल कैसे करेंगे ताकि हमें जो है दिक्कत ना हो, कोई लेट पेमेंट या कोई लेट चार्ज लग जाए। इससे अच्छा है कि हम पेमेंट शेड्यूल कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है पेमेंट हो जाएगी। तो आइए दोस्तों चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन में। सो डियर फ्रेंड्स, मोबाइल के स्क्रीन में हम आ गए हैं, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप जो है पेमेंट शेड्यूल कर सकते हो अपने मोबाइल बैंकिंग में। जैसा कि आप कई बार हमें होता है कि ज़रूरत है 10 दिन बाद किसी हमें कोई यूटिलिटी बिल पे करना है या फिर किसी को ट्रांसफ़र करना है, किसी का उधार हमने ले रखा हो और उसके टाइम पे जो है पेमेंट करनी हो या कोई भी प्रीमियम पेमेंट करनी हो, तो इस केस में क्या होता है कि हमें कई बार माइंड से हमारे हट जाता है, हम भूल जाते हैं। तो ये चीज़ जब हमें याद रहे तभी हम शेड्यूल कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको याद है कि मुझे जो है 10 दिन बाद किसी को पेमेंट करनी है, और 10 दिन बाद हो सकता है आप बिज़ी हो जाए बिज़ी शेड्यूल में दोस्तों अगर आप रहते हैं तो इसीलिए ये जो है फ़ीचर आपके बहुत काम आ सकती है। तो आइए दोस्तों मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मैं RBL का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है लॉगिन टू मोबाइल बैंकिंग पर क्लिक करके मैं अपने मोबाइल बैंकिंग के अंदर लॉगिन हो जाऊँगा। और लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको दोस्तों फ़ंड ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि ये फ़ंड ट्रांसफ़र वाला आप देख सकते हो, तो यहाँ फ़ंड ट्रांसफ़र वाले में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि एड पे, माई अकाउंट्स, क्विक पेमेंट, RBL बैंक पेज, अदर बैंक पेज, शेड्यूल ट्रांसफ़र्स देखने के लिए, मॉडिफाई और डिलीट बेनिफिशरीज। तो यहाँ पे हम क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है अदर बैंक पे ही को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको RBL बैंक के अलावा किसी बैंक का अकाउंट हो, किसी को ट्रांसफ़र करना हो, तो अदर बैंक पे ही हम सेलेक्ट करेंगे, और अगर RBL बैंक का ही है तो हम RBL बैंक पे ही सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख लीजिए आपको किसको पेमेंट करना है, तो मेरा अदर बैंक पे ही को करना है सपोज़। तो अदर बैंक पे ही में दोस्तों किसको करना है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि कई सारे अकाउंट बेनिफिशियरी मैंने ऐड किए हुए हैं, तो यहाँ पे मुझे जो है कौन सा ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं PNB
अतुल कुमार वाला जो है देख सकते हैं, ये वाला अकाउंट मैं सेलेक्ट करूँगा। तो पीएनबी वाला सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र फ्रॉम यहाँ से होगा, अवेलेबल बैलेंस आपका इतना है और ये मैंने अकाउंट्स यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, तो आइए डाल लेते हैं। जैसा कि मुझे शेड्यूल कर लेता हूँ मैं, एक घंटे बाद या दो घंटे बाद का आपको करके दिखा देता हूँ, इनकेस बाद में हम इसको जो है रोक भी सकते हैं, आपको पता है इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट में मान लीजिए मेरे को 10 रुपये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए डेट ऑफ़ ट्रांसफ़र जो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है डेट ऑफ़ ट्रांसफ़र वाला, तो यहाँ पे हम कैलेंडर पे टाइप करेंगे। टैप करने के बाद देखेंगे कि ये ओपन होकर के आ गया है, तो आज तारीख है 5। तो अगर आपको मान लो एक हफ्ते बाद या कल की या दो दिन बाद जो भी आपको करना है तो वो आप डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज़ यहाँ मैं कर लेता हूँ 6 तारीख और ओके, 6 तारीख को मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ओनली आपको डेट सेलेक्ट करने का आ रहा है कि कब आपको ट्रांसफ़र करना है। तो जैसे ये टाइम चेंज होगा वो अब ऑटोमेटिक जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ट्रांसफ़र टाइप क्या है, तो वन टाइम ट्रांसफ़र ही करना है या रिकरिंग करना है, तो वन टाइम पे ही हमें रखना है इसको। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप पूछ रहा है, तो NEFT, IMPS जो भी आपको करना है, तो NEFT भी कर सकते हैं, IMPS भी कर सकते हैं, RTGS भी कर सकते हैं। तो जो आपको ट्रांसफ़र जो है सूटेबल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र के बारे में, आप यहाँ पे अमाउंट का लिमिट भी आप देख सकते हैं। तो ये मैंने 5 सितंबर 2021 आज है और डेट ऑफ ट्रांसफ़र का जो है हमने सेलेक्ट कर लेना है 6 को या 7 को, जो भी कर लेना है। तो मैंने 6 को कर दिया यहाँ पर। अब डेट शेड्यूल हमने कर दिया है और ट्रांसफ़र का टाइप भी हमने NEFT कर दिया। रिमार्क आप यहाँ पर कुछ देना चाहें तो रिमार्क दे सकते हैं कि किस लिए आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि बैलेंस पेड मैं कर देता हूँ यहाँ पे BALANCE बैलेंस पेड टू PNB कर देता हूँ मैं। ये रिमार्क हम मैंने दे दिया है यहाँ पर। और अब क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमने फिल कर दी हैं और अब यहाँ पे प्रोसीड टू ट्रांसफ़र 10। तो जैसे प्रोसीड टू ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्फर्मेशन आपसे मांगेगा और ये डिटेल्स आप वेरीफाई कर लीजिएगा, सारी चीज़ें जो आपको करना है, जो आपने फिल करी हैं सही है, एक्यूरेट है। इसके बाद अगर आपको कुछ मिस्टेक लगता है इसमें तो यहाँ पर आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और अगर सही है तो यहाँ पर आप इसको कन्फर्म करके ओके करेंगे। तो जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव होगा। OTP रिसीव होने के बाद ऑटोमेटिक आपने सेट किया होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो गया है जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे वेरीफाई करके हम इसको पेमेंट को शेड्यूल का कंफर्मेशन कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी ट्रांसफ़र शेड्यूल आ गया है और यहाँ आप इसको डन कर सकते हैं। डन करके बैक चल के हम जो है देख भी सकते हैं शेड्यूल ट्रांसफ़र्स। तो जैसा कि मैंने शेड्यूल कर दिया है तो अब इस वाले ऑप्शन में हम जाके देख सकते हैं कि हमने शेड्यूल जो किया है वो यहाँ पर अब आपको शो करने लगेगा। जैसा कि देखिए 6 सितंबर को 10 रुपये मैंने NEFT शेड्यूल किया है। सो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने, बहुत इजी प्रोसेस है, आप पेमेंट को शेड्यूल कर सकते हो और बहुत काम आ सकती है ये फीचर आपको, इनकेस अगर आपका बिजी शेड्यूल रहता है, कई सारे पेमेंट्स आपको करनी होती हैं, कई बार होता है अकाउंट्स का काम होता है तो उसको भी कई सारे जो हैं ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो ये फ़ीचर आप अपने किसी भी बैंकिंग में उठा सकते हैं। अगर प्राइवेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें ये फ़ीचर सारे जो हैं मिलते हैं। बाकी अदर बैंक्स में भी मिलते हैं गवर्नमेंट में, लेकिन प्राइवेट बैंक की सर्विस की बात ही कुछ और होती है फ्रेंड। सो आई होप आज की वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प मिली हो, नॉलेज मिली हो, तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लेना, और साथ में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी लाइक और फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, जैसे कि हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए अपने भाई अतुल कुमार को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना पब्लिक पोस्टमैन को, ऐसी नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स के लिए। सो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो मेरा देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि ऐसे नॉलेज वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के टेक और नॉलेज वाली वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।